मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग व्लॉग। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर। नए साल का फर्स्ट व्लॉग है। थोड़े दो तीन दिन हम बिजी थे, थोड़ा काम चल रहा था दूसरा, और ट्रेडिंग में भी ज़्यादा कुछ हमें अच्छा सा ट्रेड नहीं मिला और अच्छा ट्रेडिंग करने नहीं आया बिकॉज ऑफ हम थोड़ा सा काम कर रहे थे अलग। तो अगर आपको उसका PNL और वो सब चीज़ें देखनी होती है तो हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देते हैं। उसके साथ सेंसिबल को भी फॉलो करो, वहाँ पे हम वेरीफाइड PNL डालते हैं तो उसमें पता चल जाएगा कि क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। तीन दिन उतने अच्छे नहीं गए, लॉस में ही एंड अप किया दिनों दिन। तो आज का दिन अभी निफ्टी की एक्सपायरी है और मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, IVA अच्छा था तो हमने एंट्री डाली, बट थोड़ा सा जीरो था, फिर से स्लो था तो क्वांटिटी हम बढ़ा नहीं पाए। सिर्फ हमारे जो मिनिमम क्वांटिटी थी उतनी ही डाल पाए, तो ज़्यादा कुछ क्वांटिटी नहीं थी, इसकी वजह से प्रॉफिट उतना नहीं आ रहा। और अभी IVA डाउन हो चुका है तो पोजीशन दिखाते एक बार। तो यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 3600 क्वांटिटी ही है और अभी प्रॉफिट 15000 तक का चल रहा है। और एक बार रिस्क ऑफ किया हमने, जो पोजीशन थी उसको रिस्क ऑफ कर दिया। और ये चार्ट यहाँ पे देख सकते हो आप, गैप अप हुआ है, गैप अप के बाद ऊपर जा रहा था, डे हाई क्रॉस किया तब हमने क्या किया, कॉल को रिस्क ऑफ कर दिया। तो अभी फिर से रेंज में आ चुका है और IVA अभी 15 तक आ गया, तो ज़्यादा हम अभी एग्रेसिव नहीं करेंगे बिकॉज जब IVA डाउन होता है तब प्रीमियम ऑलरेडी डाउन हो चुके होते हैं और यहाँ से IVA बढ़ने की प्रोबेबिलिटी होती है तो प्रीमियम बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा अभी देखते हैं एग्जिट का ही सोचेंगे या फिर रिस्क ऑफ ही सोचेंगे, और अगर IVA बढ़ता है तो फिर से हम क्वांटिटी बिल्ड कर सकते हैं, थोड़ा नज़दीक आ सकते हैं। तो अभी इनके क्या चल रहा है, निश का भी प्रॉफिट चल रहा है, सेम पोजीशन है, सेम पोजीशन, सेम ये पूरा सेम है, कुछ अलग नहीं है, क्वांटिटी अलग है, एंट्री वगैरह क्वांटिटी अलग है बस, बाकी सेम है, क्वांटिटी अलग है। सौरभ पृथ्वीराज काय झालं, सात सातला मस्त डीके झालंय का, असं काय पृथ्वीराज का भी देखो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, 4000 इसकी क्वांटिटी ना एज कंपेयर टू आवर कैपिटल थोड़ी बड़ी है और हेजेस भी ज्यादा है, पर उसकी थोड़ी एंट्री लेट हो गई, कोई बात नहीं। अभी फिर से देखो ऊपर जा रहा है, अभी देखते हैं इसमें, देखो प्रॉफिट भी बढ़ गया है। अभी IVA तो हो गए डाउन तो एग्जिट का ही सोचेंगे, अभी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, अच्छा प्रॉफिट भी आ गया, फिर से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऐड कर सकते हैं। आज थोड़ा शांति लग रहा है मार्केट अभी तक, एक तो इतना साइडवेज हो गया है, 1 2 3 4 5 कैंडल साइडवेज है और इससे ज़्यादा कैंडल्स मुझे नहीं लगता साइडवेज होंगे, मतलब 2-3 हो सकते हैं, उसके बाद एक मोमेंट आ सकती है, उसके बाद एडजस्टमेंट तो लगती है, तो इसकी वजह से थोड़ा सेफ ही करेंगे, ज़्यादा रिस्क अभी नहीं करेंगे। और अगर एक बड़ी मोमेंट आती है ऊपर या फिर नीचे तो फिर से एक ट्रेड डालेंगे या फिर कुछ डायरेक्शनल ट्रेड मिलता है ऑप्शन बाइंग का सेलिंग का वो भी डालेंगे। और अभी ये देखो ब्रश कर रहे हैं विनायक, क्या भाई हो गई सुबह ट्रेड, तो ये बाहर है ना तो इसका कुछ सुबह सुबह नहीं होता, 10 बजे के बाद आराम से डालते हैं। अभी ट्रेड तो हो गया, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, तो इन्वेस्टमेंट भी दिखाते हैं आपको। ये देखो इसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है, थोड़ा बैंक में बुलिश है, PSU बैंक में, यूनियन बैंक में किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा में किया है, बंधन बैंक में किया है, बैंक ऑफ इंडिया, और ये यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखेंगे, बाकी दो है उसमें स्विंग ट्रेड है, मतलब उसमें स्टॉप लॉस हम लेंगे बाद में, थोड़ा बाकी दो में ऐड करेंगे ऐसा है। तो पृथ्वीराज ने भी ले लिया ना, नितेश ले लिया, सभी ने ले लिया और हमारा प्रॉफिट देखो उसमें ऑलमोस्ट 20,000 का प्रॉफिट उसमें बुक हो गया जो हमने ट्रेड सुबह डाला था, और बहुत ही अच्छा डीके देखने को मिला है, आज साइडवेज था, ड्रीम डे था आज, तो कोई बात नहीं, ज़्यादा हम उसको कैप्चर नहीं कर पाए, क्वांटिटी कम थी पर पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा कैप्चर हमने ऑलरेडी किया। और पृथ्वीराज कितना हो गया प्रॉफिट, 5000-6000 के आसपास, 6000। नितेश इसका मेरा 1600 दिखा, इन्वेस्टमेंट किया है ना, ओके 1600 बाकी का इन्वेस्टमेंट है, ओके। और अभी दोपहर में ट्रेड डालेंगे, और थोड़ा इन्वेस्टमेंट का भी देख रहे हैं स्विंग ट्रेड का। और ये है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का देखो चार्ट है,
और इसमें हमने एंट्री ले ली है, अभी ले ली है, और ये हमारा स्टॉप लॉस है लो वाला डाउ थ्री के हिसाब से। अगर ये लो ब्रीच करता है, नीचे जाता है, तो यहाँ से नीचे फॉल भी हो सकता है, क्योंकि वो स्टॉप लॉस है और 1:2 टारगेट हम इसमें रखे हैं। तो अभी देखो पृथ्वीराज का चल रहा है गेमिंग, ट्रेडिंग हो चुका है और देखते हैं क्या प्रॉफिट है लॉस है। इसने तो सारे चीज़ बंद कर रखे, ठीक है। पहले नितिश का देखते हैं, नितिश प्रॉफिट है लॉस है दिखा तो आपको। चैतन्य, और चैतन्य देखो बहुत दिनों के बाद चैतन्य ने भी ज्वाइन कर लिया है, गांव गया था। और चैतन्य का तो भाई पहले से ही हर रोज़ ग्रीन होता है, बड़े बड़े ग्रीन रहते हैं, परसेंट वाइज 1% से भी ज़्यादा है। और नितिश का अराउंड 0.5%, 4,200। और ये हमारा बदलते कितना है, यहाँ पे 45,000 दिख रहे हैं, बाकी होल्डिंग्स है, होल्डिंग्स में अभी लॉस दिख रहा होगा। बट आज का इंट्राडे की बात करें तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखो पता चल जाएगा 46,000 है, 46,500 का प्रॉफिट है, जो कि मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा हमें कम ही लग रहा है, बिकॉज मार्केट आज बहुत ही अच्छा था सेलर्स के लिए। बट टू बी फ्रैंक, हमारी थोड़ी सी साइकोलॉजी बोल सकते हो, या फिर थोड़ा सा टाइमिंग गलत हो रहा है। नए साल से जो पहले 2-3 दिन थे थोड़े काम में भी बिजी थे, और वहाँ पे उतना अच्छा ट्रेडिंग नहीं हुआ, उसके कारण वो डेज अच्छे खासे मिस हो गए। और इसके वजह से आज थोड़ा सा रिस्क ऑफ अप्रोच से ट्रेड किया, थोड़ा सा बैक फुट पे खेला, और उसके वजह से थोड़ा सा कम प्रॉफिट आज देखने को मिला है। कम मतलब अगर मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो 1,00,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते थे आज, जो कि अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है, बट ये तो मार्केट का पार्ट है, ऐसी चीज़ें होती है। और भाई अभी दिखाओ थोड़ा प्रॉफिट क्या चल रहा है। ये पृथ्वीराज का देखो हो चुका है, मार्केट क्लोज हो चुका है, और 15,000 का प्रॉफिट बुक हुआ है, 0.5% का प्रॉफिट बुक हुआ है। ठीक है, अभी देखते हैं कल से करेंगे और अच्छे ट्राई करेंगे, कल से थोड़ा सिस्टमेटिकली करेंगे। और प्रॉफिट बुरा नहीं है हमारा, बट थोड़ा सा और एक्सपेक्ट कर सकते थे आज का मार्केट देख के। बट ठीक है, तो अभी कल मिलते हैं, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी, और सेंसेक्स की एक्सपायरी में स्पाइक लगते हैं बहुत ज़्यादा ऑप्शंस, तुरंत एक फ्रिक स्पाइक आता है, तो थोड़ा सा बीएससी में सेंसेक्स में थोड़ा सा वो मैनिपुलेशन हो रहा है, तो देखते हैं कैसे ट्रेड होता है सेंसेक्स में। और ठीक है, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।